हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में उसके कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। जो मैग्रा हिल की जो बुक आती है मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की एक बुक आती है उसमें जो चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इसके पहले हमने चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे उसमें कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं जो पुराने पेपर में आए हुए हैं या आते रहते हैं और जो मेंस की परीक्षा में भी काम आएगा एमपीपीएससी के वो दिए हुए हैं तो वो बुक डिस्कस करेंगे। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर और आपको हमारी ये सीरीज अगर अच्छी लगेगी तो कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले समय में इससे भी अच्छे लेक्चर आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। टाटा मैग्रा हिल की जो बुक आती है उससे चैप्टर नंबर 2 बुक यानी भूगर्भिक संरचना। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। देखिए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो बहुत ही आसान है, एमपीपीएससी में भी आया हुआ है, पटवारी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? तो इसका बी आंसर सही होएगा, गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड भूभाग का हिस्सा है। इसकी व्याख्या भी दी हुई है जो मेंस में काम आती है तो उसको भी अपन शॉर्टकट में देखते हैं। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का विस्तार उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण यानी कन्वर्जेंस से हुआ है। तो उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर गोंडवाना लैंड का जो भाग है खसका था, आगे बढ़ा था, खसका था और जाके मिल गया था तो उससे हुआ करके बताया गया है। गोंडवाना लैंड का विस्तार उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण कन्वर्जेंस से हुआ है जो वर्तमान में दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग के रूप में विस्तृत है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। देखो, दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो पठार है भारत का उसके उत्तर में मध्य प्रदेश स्थित है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध, ये बुद्ध छप गया, ये रुद्ध है स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड का मतलब ये होता है इसकी सीमा ना ही कोई समुद्र तट से छूती है, ना ही कोई समुद्र से छूती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है, उसे कहेंगे लैंड लॉक स्टेट। तो इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश एक स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड राज्य है क्योंकि इसकी भौगोलिक सीमा ना ही समुद्र तट व अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है, इस कारण ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, याद रखना है। टिप्पणी लिखी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट जो मेंस में काम आती है, लेकिन अपन यहाँ पे ज्यादा टाइम ना गवाए हुए आप इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। गोंडवाना लैंड प्राचीन वृद्ध महाद्वीपी पौंजिया का दक्षिणी भाग है। ये पौंजिया जो महाद्वीप घूम रहे थे और ये ऊपर जाके टकराई, जो गोंडवाना लैंड जो भाग था ये ऊपर जाके अंकारा लैंड नामक चट्टान से टकराई, महाद्वीप से टकराई और वहीं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसे भी, तो वो जो उस टाइम पे इसे कहते थे पौंजिया कहा जाता था, जो गोंडवाना लैंड को पौंजिया कहा जाता था। तो गोंडवाना लैंड प्राचीन वह महाद्वीप पौंजिया का दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग को लारेसिया कहा जाता था, ऊपर का जो भाग था उसे लारेसिया कहा जाता था। गोंडवाना लैंड का नाम एडुअर्ड सुएस ने दिया था, ये वैज्ञानिक का नाम है एडुअर्ड सुएस ने भारत में गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। क्वेश्चन आ सकता है गोंडवाना भूभाग का नाम किसने दिया था, गोंडवाना लैंड का नाम किसने दिया था, एडुअर्ड सुएस ने भारत में गोंडवाना क्षेत्र का नाम रखा था। गोंडवाना भूभाग के आज से समस्त दक्षिणी गोलार्ध के अलावा भारतीय उप महाद्वीपी और अरब प्रायद्वीप को वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है जो उद्गम स्थल था। तो ये कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं। गोंडवाना का नामकरण नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य के आधार पर किया गया था। गोंडवाना का नामकरण नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य के नाम पर रखा गया था, तो याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वन डे एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा आपको याली बुक। तो देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लोअर गोंडवाना सेल को किस नाम से जाना जाता है?
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये यहां पर गलत छप गया है, ये आएगा इसका आंसर डी, डी आंसर सही है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स डी नहीं है, इसका बी आंसर सही होगा, ये सही है बिल्कुल बी, बी तलचीर, 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 इसे तालचीर भी कहेंगे, तालचीर। तो देखिए बी आंसर सही होगा, लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लोअर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना क्यों कह रहा हूं मैं यहां पे, गोंडवाना समूह को भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जो गोंडवाना लैंड है उसे भी तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, एक सबसे नीचे वाला है जिसे लोअर गोंडवाना समूह कहते हैं, जो सबसे नीचे उसको लोअर गोंडवाना समूह कहते हैं, बीच वाले को मध्य गोंडवाना समूह कहते हैं, और सबसे ऊपर वाले को अपर गोंडवाना समूह कहते हैं। तो यहां पे बात हो रही है लोअर गोंडवाने की, सबसे नीचे की। लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं, तालचीर। तो ये याद रख लेना है, पेपर में आता है, लोअर गोंडवाना सेल समूह को तालचीर के नाम से जाना जाता है, या मुख्य रूप से सोहन महानदी घाटी में सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, सतपुड़ा के क्षेत्र में मिलते हैं, याद रखना है। उसके बाद यहाँ से देखने लायक कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने बताया था गोंडवाना समूह को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, लोअर, लोअर गोंडवाना समूह, लोअर गोंडवाना समूह की चट्टान सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत है, जो सतपुड़ा का पठार है, सतपुड़ा का क्षेत्र है वहां विस्तृत है, मध्य प्रदेश में मोहपानी और पेज घाटी कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। ये मोहपानी क्षेत्र का नाम है, एक एक क्षेत्र का नाम है फ्रेंड्स मोहपानी, और पेज घाटी तो आपने सुना ही होगा, छिंदवाड़ा में पड़ती है पेज घाटी, है ना, तो ये मोहपानी भी उधर ही साइड है, तो मोहपानी और पेज घाटी कोयला क्षेत्र के, यानी कोयला क्षेत्र लोअर गोंडवाना समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं यहाँ से, और क्या देखिए, मध्य गोंडवाना समूह, मध्य गोंडवाना सेल समूह पेंच घाटी देवना पचमणी विस्तृत है, ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपर गोंडवाना, सबसे ऊपर का अपर गोंडवाना समूह के चट्टान बघेलखंड सतपुड़ा क्षेत्र में विस्तृत है, इस चट्टानों को कोयला चूना पत्थर आदि खनिज पाए जाते हैं, सतपुड़ा क्षेत्र में इसे चौगान तथा अन्य क्षेत्रों में इसे जबल अन्य क्षेत्र में जबलपुर स्तर के नाम से जाना जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप फोर में 2016 में, मध्य प्रदेश के प्रमुख रूप से, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे इसने बी लिखा है, लेकिन ये बी नहीं है, इसका आंसर ये डी आएगा, उपयुक्त सभी। देखिए मध्य प्रदेश में आर्कियन, आर्कियन की चट्टान को ही अध महाकल्प कहते हैं फ्रेंड्स, अध महाकल्प की चट्टान उसे ही कहते हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश में आर्कियन, अध महाकल्प, धारवाड़, धारवाड़ की चट्टान भी मध्य प्रदेश में मिलती है, कड़प्पा, विंध्य, गोंडवाना क्रम की चट्टान के निक्षेप पाए जाते हैं, तथा मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का निर्माण आर्कियन काल से लेकर क्वार्टनरी काल तक की चट्टान से हुआ है। मध्य प्रदेश में आर्कियन, विध्यन एवं डक्कन ट्रेप की चट्टान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, तो इसका आंसर डी सही होएगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है, तो आर्कियन की चट्टान भी है, विंध्यन की चट्टान भी है, और गोंडवाना चट्टान भी है, उपयुक्त सभी, इसका आंसर होएगा डी, आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद इसको आप पढ़ सकते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टान का विस्तार किस भूभाग में है, आर्कियन चट्टान का किस भाग में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी होएगा, इसका मतलब सभी भागों में पाया जाता है, उपयुक्त सभी, उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है, तो ये आपको पता होना आठ दिशा होती है, तो उत्तर पूरा पश्चिम, उत्तर उत्तर और ये पश्चिम, यहां हो गया, उत्तर पश्चिम भाग में भी है, उत्तरी भाग में तो है उत्तरी भाग में, और पूर्वी भाग में भी है, तो ये सभी होएगा। लेकिन याद रखना है, खासकर और ज्यादातर इस चट्टान का जो है कहां ज्यादा पाई जाती है, तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, आर्कियन अध महाकल्प की चट्टान में सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है, ये आर्कियन अध महाकल्प की चट्टान है, सर्वाधिक प्राचीन चट्टान मानी जाती है, जिसके कारण इसे पौत्रक और प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आ सकता है प्राथमिक चट्टान कौन सी, आर्कियन युग की चट्टान। आर्कियन चट्टान का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम, देखो उत्तरी भाग में तो है, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में पाया जाता है, उत्तर में भी है, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके संदर्भ में सर्वप्रथम जे डी डाना ने परिचय करवाया था, तो अपने किसने बताया था ये सब, ऐसा करके ये चट्टान यहां पर है करके, किसने बताया, जे डी
इटाना ने परिचय करवाया था, तो ये भी नाम आप याद रख सकते हैं। ये इसकी कुछ व्याख्या दी हुई है जो अपने काम की नहीं है, अपन वनडे एग्जाम के हिसाब से फोकस करते हैं और आप पोस्ट करके इसे पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पांचवें नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाल क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत जबरदस्त। ये इससे समझना है आपको, यहां क्या लिखा हुआ है, धारवाड़ की चट्टान कहां है करके क्वेश्चन आया है, सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, तो इसका आंसर ए सही होएगा, बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाती है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है ये चट्टान, जिसका नाम है धारवाड़ की चट्टान की शिल्प यानी कि छिल्पी सीरीज से मैग्नीज निकलता है फ्रेंड्स। इसलिए देखना, आपने देखा होगा बालाघाट में ही मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान है और छिंदवाड़ा में ही मैग्नीज निकलता है ना। भरवेली की खदान बालाघाट में मैग्नीज की एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खुले मुंह की खदान है। तो व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, देखो ए आंसर, धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन चट्टान के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म की अनुपस्थिति होती है यानी नहीं होते जीवाश्म, इसमें ग्रेनाइट, नीस, स्लेट, ये कुछ खनिज के नाम दिए हुए जो पाए जाते हैं करके बताया गया है। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार राज्य दक्षिण पूर्व में, ये देखो कभी जिले का नाम नहीं आया तो ये आ सकता है, कभी जिले का नाम नहीं पूछा कहां विस्तार है तो दक्षिण पूर्व दे सकता है, तो दक्षिण पूर्व में ही बालाघाट छिंदवाड़ा आता है, तो दक्षिण पूर्व याद रखना है। सर्वाधिक विस्तार कभी पूछा मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है, तो ये दक्षिण पूर्व भाग में बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बालाघाट में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों को आर्थिक दृष्टि से यहाँ सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। देश में उपलब्ध लगभग सारी धातुएं इन्हीं चट्टान की देन है। ये कौन सी धातु निकली है बताया गया है, आगे देखते हैं यहां से काम का क्या है। देखो मैग्नीज निकलता है धारवाड़ चट्टान से, मैग्नीज निकलता है धारवाड़ की जो चट्टान है वहां से मैग्नीज निकलता है। कभी पूछा कौन सी इससे निकलता है, छिल्पी सेल समूह से निकलता है या छिल्पी क्रम से निकलता है या छिल्पी सीरीज से निकलता है, तो याद रखना मैग्नीज। धारवाड़ सेल समूह की चट्टान के छिल्पी क्रम से निकलता है, याद रखना है मैग्नीज। मैग्नीज की बात के बाद कर लेते हैं अपन मैग्नीज, तो मैग्नीज याद रखना है। यहाँ पे तांबा भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बालाघाट में धारवाड़ से तांबा भी निकलता है। तांबा मलाजखंड की खदान, मलाजखंड की खदान कहाँ है, बालाघाट में मलाजखंड तहसील में, तो मलाजखंड की खदान जो है तांबे से संबंधित है। और भरवेली खदान जो है भरवेली के पास में है, यानी भरवेलीच में है, बालाघाट से 5 किलोमीटर दूर है भरवेली, तो वो मैग्नीज से संबंधित है। भरवेली की खदान मैग्नीज से संबंधित है और मलाजखंड की खदान तांबे से संबंधित है, दो इंपॉर्टेंट खदानें हैं यहाँ पे बालाघाट जिले में, याद रखना है। तो ये अलग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में छिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती, मैंने अभी बताया था आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में छिल्पी क्रम से मैग्नीज निकलता है। धारवाड़ की चट्टान छिल्पी क्रम से मैग्नीज निकलता है और मैग्नीज निकलता है बालाघाट में भरवेली की खदान में। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में छिल्पी क्रम का विस्तार बालाघाट छिंदवाड़ा जबलपुर जिले में पाया जाता है, इसमें मैग्नीज निकलता है, उसके बाद ये कॉपर भी निकला है बताया क्या क्या निकलता है। उसके बाद आगे चलते हैं, बालाघाट जिले की छिल्पी क्रम की चट्टान बैयरनीस, ये याद रखना है बस। तो मैग्नीज की खदान जो भरवेली में है बालाघाट के, बालाघाट की जिले की भरवेली की खदान मैग्नीज से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है भरवेली की खदान, खुले मुंह की खदान भी है वो, तो समझ में आ गया होगा बालाघाट में भरवेली की खदान। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाजखंड रीप पाई जाती है? तो मैंने अब भी बताया था आपको मलाजखंड की खदान तांबे से संबंधित है, तांबा निकलता है। एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है बालाघाट में मलाजखंड की खदान, तांबे की खदान है मलाजखंड की खदान, बालाघाट जिले में आता है, तो याद रखना है वही चीज ये लिखा है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही होएगा। और काय संबंधित है पूछा, मलाजखंड की खदान तांबे से, तो यहां से देखो क्या है लिखा, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ता हूं मैं सीधे काम की चीज, चलते हैं काम का क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो इसमें सी छपा हुआ है, सी नहीं है, बी आंसर इसका आएगा सही। पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है, तो यह है अध महाकल्प की चट्टान, इसे ही तो आर्कियन की चट्टान कहा जाता है। मैंने बताया था आर्कियन की चट्टान, अध महाकल्प की चट्टान, प्राथमिक चट्टान कहते हैं वही है, तो यही लिखा है। देखो अध महाकल्प, आर्कियन की चट्टान पृथ्वी की प्रथम
कठोर चट्टान है। प्रारंभिक चट्टान के जीवाश्म में अवशेष नहीं मिलते हैं, तो यानी याद रखना है इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते फ्रेंड्स, क्योंकि तत्कालीन समय में पृथ्वी पर जीवन का विस्तार विकास ही नहीं हुआ था, उस टाइम पर जीवन का विकास ही नहीं हुआ था, यह बताया गया है। तो आप इसको पढ़ लेना, इसका आंसर क्या सही होएगा, बी। ये बुक में गलत छप गया है, सी छपा है, बी सही होएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 90 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा है। सत्य मत समझ लेना अपन जल्दी जल्दी में, ऐसी गड़बड़ करते हैं कई बार, तो ये असत्य बोला है। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। तो कथन पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। छिल्पी क्रम की चट्टान में बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज और तम्र यानी तांबा खनिज की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना, बालाघाट से निकलता है तांबा और मैग्नीज दोनों निकलता है, और धारवाड़ सेल समूह की छिल्पी सीरीज से निकलता है मैग्नीज, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला सही है। दूसरा चलते हैं, साकोली क्रम की चट्टान में जबलपुर और कटनी जिले में अभ्रक व संगमरमर की प्राप्ति होती है, तो यह भी सही है। साकोली सीरीज से एक बात याद रखना, ग्रेफाइट निकलता है, कभी पूछा जाएगा तो ग्रेफाइट निकलता है, ग्रेफाइट स्पेशल बैतूल में निकलता है, लेकिन बैतूल को ग्रेफाइट जिला कहते हैं, लेकिन साकोली सीरीज की अगर बात की जाए तो साकोली सीरीज से याद रखना ग्रेफाइट भी निकलता है, कभी पूछा जा सकता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान के साकोली क्रम से ग्रेफाइट निकलता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। साकोली क्रम की चट्टान जबलपुर कटनी जिले में अभ्रक और संगमरमर की प्राप्ति होती है, तो अभ्रक बालाघाट में भी निकलता है, जबलपुर में भी निकलता है, तो अभ्रक और संगमरमर की प्राप्ति होती, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड वाला भी सही है। तीसरा चलते हैं, सौसर क्रम की चट्टान का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन सौसर सीरीज याद रखना है, सौसर सीरीज से कोयला निकलता है फ्रेंड्स, कोयला कहां निकलता है, कोयला मध्य प्रदेश के गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, एक चीज तो आप याद रखिए, गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है, गोंडवाना सेल समूह की सौसर सीरीज में पाया जाता है, सौसर सीरीज या सौसर क्रम में पाया जाता है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ढाड़वाल के सौसर क्रम में कौन सा निकलता है, तो सौसर में कोयला, ये याद रख लेना है। तीसरा भी सही है, ये चौथा वाला सही नहीं है, अब चौथा एक ही बचा है तो इसको पढ़ लेते हैं। साकोली व सौसर क्रम की चट्टान से हीरा और बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, तो नहीं दादा गलत है, ये जो हीरा है ये हीरा कड़प्पा सेल समूह से निकलता है, कड़प्पा सेल समूह के बिजावर सीरीज से निकलता है हीरा, और बॉक्साइट तो आप जानते ही हैं एल्यूमिनियम का अयस्क है ये, तो ये नहीं है। साकोली सीरीज मैंने बता दिया, साकोली सीरीज से क्या निकलता है, ग्रेफाइट, ये याद रखना है, और सौसर सीरीज से तो बताया ही था अभी थोड़ी देर पहले, सौसर सीरीज से कोयला, तो ये डी वाला आंसर गलत होएगा। यही चीज की व्याख्या दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, अगर आपके पास आपको पढ़ना है तो। आगे बात करते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कड़प्पा कुड़ुप्पा लिख दिया इसने, कड़प्पा ही है वो, मध्य प्रदेश में कड़प्पा क्रम की चट्टान को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्वालियर संभाग में उसे ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, ये पहला आंसर इसका सही होगा। आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है व्याख्या में। ग्वालियर सीरीज की ऊपरी चट्टान को मोरार कहते हैं, ग्वालियर सीरीज की ऊपरी चट्टान को मोरार कहते हैं और निचली चट्टान को पार कहा जाता है, खत्म। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, पन्ना में हीरा निकलता है, पन्ना प्रसिद्ध हीरो के लिए, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरो की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टान से होती है, तो हीरा के बारे में मैंने बता दिया था, हीरा जो है कड़प्पा चट्टान के बीजावर सीरीज से निकलता है, तो याद कैसे रखना है, हीरा कड़ा होता है तो ऐसे याद रखना है, कड़प्पा और बीजे टाइप का निकलता है हीरा, यानी ऐसा बीजे टाइप का होता है, तो बीजावर सीरीज दोनों याद आ जाएगा। तो हीरा फेमस है, यानी पन्ना फेमस है हीरो के लिए भारत में, तो ये कौन सी चट्टान से निकलता है, कड़प्पा चट्टान से निकलता है, कड़प्पा चट्टान से हीरे की प्राप्ति होती है, कांस्टेबल ने पूछा गया क्वेश्चन है, ये व्याख्या दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सही जोड़ी में पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो मैंने बता दिया धारवाड़ की चट्टान
तो धारवाड़ की चट्टान कहाँ जाएगा, ये धारवाड़ की चट्टान जाएगा सांकोली सीरीज, सांकोली सीरीज जिससे ग्रेफाइट निकलता है, जिससे ग्रेफाइट निकलता है सांकोली सीरीज से, मतलब धारवाड़ चट्टान। और छिल्पी सीरीज से क्या निकलेगा, कभी छिल्पी सीरीज पूछा तो छिल्पी सीरीज से निकलेगा मैग्नीज। नहीं आया समझ, धारवाड़ की चट्टान के सांकोली सीरीज से ग्रेफाइट निकलता है और धारवाड़ चट्टान के छिल्पी सीरीज से मैग्नीज निकलता है। तो ये इसका आंसर पहले वाले का डी होएगा, है ना। दूसरा विंध्य चट्टाने की बात कर लेते हैं, विंध्य चट्टाने में आएगा सेमरी, विंध्य चट्टाने में आएगा सेमरी, तो इसका सी सही होएगा, विंध्यांचल विंध्यान की चट्टान सेमरी। अब बात करते हैं कड़प्पा की चट्टान, कड़प्पा की चट्टान, कड़प्पा की चट्टान बिजावर, मैंने बता दिया बिजावर सीरीज जिससे हीरा प्राप्त होता है ना, तो कड़प्पा की चट्टान बिजावर सीरीज, ये याद रखना है, सब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं गोंडवाना चट्टान की, तो गोंडवाना चट्टान जो है ये तालचेर, ये आ जाएगा इसका आंसर सही, तालचेर। तो देखिए कौन सा आ रहा है, दा सा, यानी दा सा बा आ, तो ये डी आंसर इसका सही होएगा। ये देखो ये लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ चट्टान सांकोली उपक्रम की है, धारवाड़ की जो चट्टान है वो सांकोली उपक्रम की है, और विंध्य चट्टाने सेमरी उपक्रम की है, कड़प्पा चट्टाने बिजावर उपक्रम की है, और गोंडवाना चट्टाने तालचेर उपक्रम की है, तो ये याद रखना है, आ सकता है। अगला फिर क्वेश्चन चलते हैं सीधे, मध्य प्रदेश में कड़प्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखो कड़प्पा की बात आ रही है, और मैंने बताया हूं आपको कड़प्पा के बिजावर सीरीज से हीरा निकलता है, और हीरा किधर निकलेगा, तो पन्ना में निकलेगा, छतरपुर तरफ निकलेगा, तो उधर साइड का एरिया आप चूज कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो क्या होगा, पन्ना किधर है, पन्ना कहाँ पर है, उत्तर में है, तो उत्तर तो देखो दो इसमें दिख रहा है। अब उत्तर पूर्व एक तो सही होएगा, उत्तर पूर्व का, पन्ना छतरपुर उत्तर पूर्व में पड़ते हैं, मध्य प्रदेश का मैप देखना आप, ये उत्तर पूर्व एक सही। उत्तर पश्चिम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उत्तर पश्चिम नहीं हो सकता, उधर साइड के कोई जिले में हीरा नहीं निकलता, उत्तर पश्चिम नहीं हो सकता, लेकिन दक्षिण पूर्व हो सकता है, दक्षिण पूर्व हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व के कई इलाकों में कोयला भी निकलता है ना, तो कोयला भी निकलता है, तो इसका आंसर सी डी सही होगा फ्रेंड्स, ये डी सही होगा। कड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग की आर्कियन और धारवाड़ के चट्टान से हुआ है, अपरदन के कारण हुआ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टिप्पणी लिखी हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दोनों सही डी। बात करते हैं अगले 14वें नंबर की क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में विंध्य विंध्यन क्रम की चट्टान से लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है, ये क्वेश्चन है एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका आंसर, तो मैं आपको बता दूं, लाल बलुआ पत्थर से सांची स्तूप का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स। सांची स्तूप कहां पर है, ये अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में पड़ता है, अब्दुल्लागंज रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में है, इस ये बना है सांची स्तूप, सांची स्तूप अब्दुल्लागंज रायसेन में है, ये बना है बलुआ पत्थर से, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची है, सांची तो वहां पे सांची जगह का नाम भी है, तो ये सांची स्तूप बना है लाल बलुआ पत्थर से, याद हो जाएगा, यूनेस्को में भी शामिल है ये सांची स्तूप, तो ये याद रख सकते हैं आप, विश्व धरोहर में भी शामिल है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन में चलते हैं, इसका आंसर तो सही क्या है, सांची स्तूप। ऑप्शन में चलते हैं भोजपुर, भोजपुर शिवलिंग मंदिर, शिवलिंग मंदिर ये मिलेगा आपको, ये वेत्रवती, वेत्रवती नदी के तट पे है, वेत्रवती नदी को तो बेतवा नदी कहते हैं, बेतवा नदी इसी का नाम है, ये याद रखना है, प्राचीन नाम था, तो वेत्रवती नदी के तट पे स्थित है, ये एक याद रख लेना है, भोजपुर शिवलिंग। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है फ्रेंड्स, भोजपुर शिवलिंग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है, भोजपुर शिवलिंग वेत्रवती नदी के तट पे स्थित है, और ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, और इसे जो है उत्तर भारत या फिर पूर्व का सोमनाथ भी कहते हैं, एक सोमनाथ तो गुजरात में है, आपने सुना होगा, इसे बोलते हैं पूर्व का सोमनाथ। क्वेश्चन आ सकता है, पूर्व का सोमनाथ किसे कहा जाता है, भोजपुर शिवलिंग को। ये भोजपुर शिवलिंग भोपाल के पास है, 30 या 40 किलोमीटर दूर है शायद, और ये राय, ये कौन से जिले में पड़ता है, ये रायसेन जिले, रायसेन, रायसेन ये सीहोर में पड़ता है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको आगे देख के बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन कारण याद नहीं आ रहा है। तो भोजपुर शिवलिंग से याद रख लेना है, वेत्रवती नदी के तट पर स्थित है, पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे,
उसके बाद पशुपतिनाथ के मंदिर की बात कर लेते हैं। ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो है ये मंदसौर में है, मंदसौर जिला, और ये सीवना नदी के तट पे स्थित है, आ सकता है सीवना नदी के तट पे स्थित है। तो याद रखना पशुपतिनाथ का मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये मंदसौर जिले में है सीवना नदी के तट पर। अब उसके बाद ए वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। ये ए वाला ऑप्शन जो है नाचना ठाकुर मंदिर, इंपॉर्टेंट है नाचना ठाकुर मंदिर। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, नाचना ठाकुर मंदिर कहाँ पर है? आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये पार्वती माता का मंदिर है और ये पन्ना जिले में ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर है और ये पन्ना जिले में, पन्ना में है। क्या है नाम? नाचना नाचना कुठार मंदिर। ये पार्वती माता का मंदिर है पन्ना में, खत्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे आप इसका व्याख्या दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में पाया जाएगा ना, वहीं पे तो विंध्याचल पर्वत है, विंध्य क्रम की चट्टाने लिखा है, तो जहाँ विंध्याचल पर्वत है वहीं तो पाया जाएगा चट्टान। तो याद रखना इसका आंसर बी होगा, उत्तरी भाग। अब देखो व्याख्या, मध्य प्रदेश के विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में पाया जाता है, उत्तर में पाया जाता है, याद रखना क्या कि उत्तर में ही नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में ही विंध्याचल पर्वत है। तो ये हो गया 15वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 16वें नंबर का। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने प्रकार में बांटा गया है? कितने प्रकार पाए जाते हैं या पाए जाते हैं कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर सी सही होगा, दो प्रकार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में विंध्यन शैल समूह का वर्गीकरण किया गया है दो भागों में, एक जिसे ऊपरी विंध्यन कहा गया है और एक दक्षिणी, एक है निचला विंध्यन कहा गया है। तो एक बात याद रखिए आप, ऊपरी विंध्यन को भी तीन समूह में बांटा गया है, एक होता है भांडेर सीरीज, रीवा सीरीज और कैमूर सीरीज, तो तीन समूह में बांटा गया है। तो अपर भांडेर बलुआ पत्थर, सिरबू सेल, लोअर भांडेर बलुआ पत्थर, ये भांडेर चूना का पत्थर, तो ये सब आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये रीवा सीरीज, अपर रीवा बलुआ पत्थर, जीरी सेल, लोअर रीवा बलुआ पत्थर, ये आपको याद रखना है, पॉज करके वीडियो को देखना है। तो उसके बाद अपन आगे चलते हैं, उसके बाद निचला विंध्यन समूह देख लेते हैं। तो इसमें सेमरी सीरीज आ जाता है, कुरनूल सीरीज, भीमा सीरीज, मनाली सीरीज, ये सब इसमें है, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो टू आंसर इसका सही होगा, दो समूह में बांटा गया है। अगर पूछा आपको कि ऊपरी विंध्यन को कितने समूह में बांटा गया है, तो तीन, ये ऐसे याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं डीपली। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17वें नंबर का, मध्य प्रदेश में निचले विंध्यन क्रम की चट्टान के रूप में सेमरी उपक्रम का विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। फ्रेंड्स आपने देखे होंगे इस, ये विंध्याचल जो है विंध्य क्रम की चट्टान, ऊपर वाले को ऊपरी कहते हैं, नीचे वाले को निचली, तो वहाँ पे इधर सोन नदी गई है, तो आप इसको, तो क्या आएगा इसका आंसर? सोन नदी घाटी। तो लेफ्ट टेक्निशियन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? मैंने बताया था ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है, तो याद रखना है तीनों भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग थे, देखो ये तीन भाग, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। उसके बाद 19वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बोला है देखना है असत्य, तो ध्यान से देखिए कौन सा असत्य है। तो देखिए, कैमूर उपक्रम की चट्टान के रूप में पन्ना जिले के पूर्वी भाग व केन नदी घाटी क्षेत्र में ग्रेनाइट व कांगलोम रेंट की चट्टान के निक्षेपण पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। कैमूर उपक्रम की चट्टान के पन्ना जिला बिल्कुल सही है, पन्ना जिले तरफ है। कैमूर उपक्रम के उत्तर पश्चिम में स्थित सागर, पन्ना, दमोह जिले में रीवा उपक्रम का विस्तार पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कैमूर की पहाड़ी आपने पढ़ा होगा, उधर ही साइड है। रीवा उपक्रम की निचली अवस्था में पन्ना सेल तथा ऊपरी अवस्था में झीरी सेल के नाम से जाना जाता है, तो तीसरा वाला भी सही है फ्रेंड्स, रीवा उपक्रम की निचली अवस्था को पन्ना सेल, और तो ये भी तीसरा भी सही है। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है, कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं,
तो कैमूर उपक्रम की चट्टान में ग्रेनाइट व कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं क्या? ये नहीं पाए जाते, डी आंसर इसका सही होगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में ऊपरी विद्युतक्रम के चट्टानों के रूप में कैमूर क्रम का विस्तार केन नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में विद्युतक्रम की चट्टान के में भांडेर उपक्रम का विस्तार विध्य पर्वत श्रृंखला यानी विध्यन पर्वत श्रृंखला के किस भाग में है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, विध्यांचल पर्वत के तीन भाग है। जो सामने वाला भाग है, जो पूर्वी भाग, उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उसे विध्यांचल कहते हैं। बीच वाला जो भाग है उसे भांडेर श्रेणी कहते हैं। और उस तरफ जो आखिरी वाला भाग है, पूर्वी भाग, उसे कैमूर श्रेणी कहते हैं। तो बीच वाली भांडेर श्रेणी है और सबसे लास्ट वाली कैमूर श्रेणी है, तो याद रखना है। तो यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश में विध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम का विस्तार विध्यन श्रृंखला के किस भाग में पाया जाता है? तो मैंने बताया पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं, कैमूर। तो आंसर आ जाएगा पश्चिमी भाग को कैमूर पर्वत श्रृंखला है। तो 21वां क्वेश्चन चलते हैं। 21वां क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था? दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किस चट्टानों का अध्ययन किया गया था? दक्षिण पूर्वी भाग में गोंडवाना चट्टानों का अध्ययन किया गया था। आपको डायरेक्ट याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टान से किस खनिज का निक्षेप प्राप्त होता है? तो गोंडवाना की चट्टान से, मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड की चट्टान में कोयला निकलता है और लोहा निकलता है। तो इसका आंसर बी सही होएगा, लेकिन बुक वाले ने पहला ये आंसर सही दिया है, राल व कोयला। तो ये आंसर सही दिया है, लेकिन कहा जाए, अगर देखा जाए सही तरीके से, तो कोयला और लोहा इसका आंसर सही होगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23वें नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन है, जमाने के लिए कहा गया है। सूची पहली और सूची दी गई है। चट्टानों का उपक्रम दिया गया है और जिले में विस्तृत दिया गया है, तो कहाँ पे कौन सा पाया जाता है बताना है। सबसे पहले महादेव उपक्रम की बात कर लेते, तो महादेव उपक्रम बहुत आसान है। महादेव उपक्रम छिंदवाड़ा तक है। देखो महादेव की पहाड़ी तो कहाँ पर है, होशंगाबाद में, लेकिन वो पूरी जो पहाड़ी है, श्रेणी है, उसे क्या कहते हैं, महादेव पर्वत श्रृंखला, वो छिंदवाड़ा तक है फ्रेंड्स, याद रखना है। होशंगाबाद से छिंदवाड़ा तक के यानी होशंगाबाद में है। महादेव पर्वत पर ही तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। क्या कि सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा का बीच वाला हिस्सा है, तो छिंदवाड़ा तक आया है, तो छिंदवाड़ा इसका सही हो जाएगा। तो ये हो गया छिंदवाड़ा। बीजावर उपक्रम की बात कर लेते हैं। मैंने बात बताया था आपको, बीजावर उपक्रम से क्या निकलता है, हीरा निकलता है। हीरा कहाँ निकलता है, पन्ना में निकलता है, तो ये इसका ये हो जाएगा। भांडेर उपक्रम की बात कर लेते हैं, तो भांडेर श्रेणी कहाँ पर है, रीवा पन्ना तरफ मिलेगी आपको, रीवा पन्ना सतना तरफ मिलेगी, तो ये सतना आ गया। रीवा सतना सीधी सिंगरौली इधर साइड है। भांडेर उपक्रम विंध्यांचल पर्वतमाला का पूर्वी भाग को भांडेर श्रेणी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं तालचेर उपक्रम। तालचेर उपक्रम इंपॉर्टेंट है, ये शहडोल तरफ है। तालचेर उपक्रम इंपॉर्टेंट है, शहडोल तरफ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं, वाक्य दी हुई है। मध्य प्रदेश की महादेव उपक्रम की चट्टानों का विस्तार दक्षिणी जिले छिंदवाड़ा तक विस्तृत है। होशंगाबाद से छिंदवाड़ा तक विस्तृत है, ऐसा याद रखना है। बिजावर उपक्रम की चट्टानों पन्ना जिले में है। भांडेर उपक्रम की चट्टानों रीवा सतना में है। और तालचेर उपक्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले के शहडोल में विस्तृत है। तो उत्तर पूर्वी में जो जिले हैं, शहडोल उमरिया अनूपपुर, उधर साइड में मिले गए तालचेर, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है। गोंडवाना चट्टान के तालचेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश किस जिले में नहीं पाया गया है, बोला है नहीं पाया गया है, नहीं लग गया है, नहीं पाया गया है। तो अब नहीं पाया गया है, मैंने बताया शहडोल तरफ है, ये शहडोल तरफ, तो इधर देखो उधर साइड का कोई जिला दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा शहडोल। देखो सिंगरौली तरफ है, नहीं पाया गया है बोला है फ्रेंड्स, तो शहडोल बिल्कुल सही है, शहडोल तरफ पाया गया है। शहडोल सिंगरौली भी उधर ही साइड आता है, तो पाया जाता है। सीधी भी उधर ही साइड है पूरब में, तो पाया जाता है, लेकिन नरसिंहपुर बीच में आ गया, तो नरसिंहपुर में नहीं पाया जाता। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, 24 के बाद 25वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने शैल समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो देखो इसका आंसर तीन सही होगा, थ्री, डी नंबर का सही होगा, तीन समूह में वर्गीकृत किया गया है।
मध्य प्रदेश में गोंडवाना उपक्रम की चट्टानों को 3 शैल समूह में बांटा गया है, ऊपरी गोंडवाना क्रम, मध्य गोंडवाना क्रम और निचली गोंडवाना क्रम। मैंने शुरू में ही बताया था आपको गोंडवाना शैल समूह को भी 3 समूह में बांटा गया है, सामने में अपन ने क्वेश्चन देखे थे। 3 समूह याद रखना है, आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश के ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टान के रूप में महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महादेव जो उपक्रम है, सतपुड़ा पर्वतमाला का जो बीचों बीच वाला भाग है, महादेव उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था आपको महादेव की पहाड़ी पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और धूपगढ़ कहाँ पर है? पचमढ़ी में, और पचमढ़ी आता है होशंगाबाद में। तो ये देखो, ये आ गया आंसर इसका, पचमढ़ी उपक्रम, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में ऊपरी डक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में ऊपरी डक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है, इसको याद रखना है। कई क्वेश्चन लॉजिकली होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं, तो ये भी याद रख लेना है। ये इसका क्या आंसर आएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम में पाया जाता है, क्या कि दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार भी लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, इसका आंसर दो दो होगा, दक्षिण पश्चिम तो होगा ही होगा, उसके अलावा इसका सी आंसर भी होगा, उत्तर पश्चिम भी होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों सही, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये 27वें नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 28वें नंबर का। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टान के किस उपक्रम से लिंगनाइट कोयले की प्राप्ति होती है? ये लिंगनाइट कोयला होता है, कोयला भी चार प्रकार का होता है, कोयला चार प्रकार का होता है। क्वेश्चन आता है कोयला कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, एंथ्रेसाइट नाम का एक कोयला होता है, सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 94 से 98% कार्बन की मात्रा होती है, सर्वाधिक अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, ये याद रखना है। लेकिन दूसरे नंबर का सबसे अच्छा कोयला पूछा जाएगा तो लिंगनाइट है। तो इसको क्या बोला गया क्वेश्चन में, चलते हैं। मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टान के किस उपक्रम से लिंगनाइट कोयले की प्राप्ति होती है? तो किस उपक्रम से लिंगनाइट कोयले की प्राप्ति होती है, ये पूछा गया है। तो लिंगनाइट कोयला अपने इधर निकलता है, जबलपुर तरफ निकलता है, जबलपुर और छिंदवाड़ा तरफ निकलता है। तो जबलपुर उपक्रम इसका आंसर सही होगा, जबलपुर उपक्रम से होता है फ्रेंड्स। तो ये याद रखना है, सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 29वें नंबर का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के तृतीय शैल समूह के रूप में क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? 29वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तरी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे पोस्ट करके देख सकते हैं, उत्तरी भाग में पाया जाता है, तो इसको देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? नहीं मिले हैं बोला है, तो नहीं मिले तो एक बात बता दूं मैं आपको, द्रविण संघ के साक्ष्य अपने मध्य प्रदेश में नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? द्रविण संघ ये दक्षिण भारत में मिले हैं इसके साक्ष्य, तो ये नहीं है। पुराना संघ अपने है, धारवाड़ समूह अपने पाया जाता है, आर्य समूह अपने पाया जाता है। मध्य प्रदेश में द्रविण संघ की चट्टानों में साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये याद रखना है। मध्य प्रदेश में विभिन्न युग जैसे उनके साक्ष्य ये हैं, तो अध महाकल्प जिसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं, ये बुंदेलखंड व गुलाबी ग्रेनाइट नीस सील और डाइक, ये इसके साक्ष्य है। धारवाड़ समूह बालाघाट की छिल्पी सीरीज मैंने बताया था, छिल्पी सीरीज से मैग्नीज निकलता है। छिंदवाड़ा का सौसर सीरीज से कोयला भी निकलता है, बताया था। और बुंदेलखंड की बिजावर सीरीज, जहाँ से बिजावर से निकलता है हीरा बीजा से, ऐसा याद रखना है। पुराना संघ की बात कर लेते हैं, पन्ना ग्वालियर का बिजावर श्रेणी, कैमूर भांडेर रीवा श्रेणी, ये पुराना संघ है। उसके बाद द्रविड़ संघ अपने मध्य प्रदेश में साक्ष्य नहीं मिले। आर्य समूह भी है एक, सतना एवं बुंदेलखंड में विस्तृत कोयला घाटी है ये, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। मालवा के पठार में क्रीटे संकल्प, ये भी याद रखना है, एक ज्वालामुखी वाला। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक व प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है बोला है? कौन सा कथन असत्य है, पढ़ना है और बताना है। पहला चलते हैं, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण गंगा यमुना के मैदान व चंबल नदी के बीहड़ द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है।
उत्तर का होता है ना उत्तरी सीमा का निर्धारण, दूसरा पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण, पश्चिम में सतपुरा है ना, पश्चिमी सीमा का निर्धारण सतपुरा पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में और राजपीपला पर्वत है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और उत्तरी सीमा का निर्धारण अरवली पर्वत करती है, बिल्कुल सही है, अरवली पर्वत है और राजस्थान हिल, तो बिल्कुल सही है सेकंड वाला भी। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी, सॉरी तापी, ताप्ती है, ताप्ती, ताप्ती है, ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी व महाराष्ट्र के विस्तार पठार द्वारा होता है, बिल्कुल सही है तीसरा भी। चौथा वाला देख लेते हैं क्या है। मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण नर्मदा सोन घाटी द्वारा होता है, बिल्कुल नहीं होता, नर्मदा सोन घाटी द्वारा थोड़ी होता है पूर्वी भाग, पूर्वी सीमा का निर्धारण। तो असत्य पहचान ने बोला था डी आंसर इसका सही होगा। अगला चलते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, यह दक्षिण का पठार। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि दक्षिण का पठार कैसे हो गया, लेकिन व्याख्या पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,245 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, यह भी याद रखना है। तो क्षेत्रफल के साथ दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश का अधिकतर भाग डकन पठार के अंतर्गत आता है, यही कारण है कि प्रदेश के आधे से अधिक भाग पठारी है, लेकिन प्रदेश में जगह जगह ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपी पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये वाला तो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, दक्षिण का पठार इसका आंसर सही है, दक्षिण का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, MPSI में पूछा गया 2017 में, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राकृतिक संरचना को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन सी तीन तीन है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी व बघेलखंड पठार। इसकी व्याख्या दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या बोला गया, प्राकृतिक संरचना बोला गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे बताऊंगा मैं अभी। आगे चलते हैं 33वें नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य को दो तिहाई क्षेत्र निर्मित होता है, दो तिहाई क्षेत्र निर्मित होता है करके बताया गया है। तो दो तिहाई क्षेत्र जो है ये मध्य उच्च भूमि के द्वारा निर्मित होता है, मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि का निर्माण आर्कियन, धारवाड़, डक्कन ट्रेप व विध्यन क्रम की चट्टान से हुआ है, तो ये याद रख लेना है फ्रेंड्स, ये त्रिभुजाकार है इसका। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है बोला है, असत्य कथन पहचानना है और टिक करना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए, मध्य उच्च प्रदेश का विस्तार उत्तर में यमुना के मैदान, उत्तर में यमुना के मैदान सही है बिल्कुल, पश्चिम में अरवली पर्वत बिल्कुल सही है, पूरब में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, तथा दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी पाई जाती, बिल्कुल सही है पहला कथन। मध्य उच्च प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रपात, नदी घाटी, मैदानों का विकास हुआ है, तो सही बात है, हुआ है, बिल्कुल सही है दूसरा भी। तीसरा चलते हैं, मध्य उच्च प्रदेश के उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियां ताप्ती नदी में मिल जाती है, तो सही बात है क्या, पूरी नदियां आके ताप्ती नदी में मिलती है क्या, नहीं मिलती, गलत है ये, पूरी नदी आके कहां ताप्ती में मिल जाती है, ये गलत कथन है, असत्य को पहचानना था। चौथा वाला पढ़ लेते हैं, मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, मध्य उच्च प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है, बिल्कुल सही है, पाया जाता है ना, मध्य प्रदेश के बीचों बीच में है ऐसे विंध्याचल पर्वत, तो ये इसका सी गलत होगा, असत्य को पहचानने बोला था। अगला क्वेश्चन 35वें नंबर का धमाकेदार क्वेश्चन है, मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया पांच को विभाजित किया गया है, पांच कौन से, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो बस पांच हो गए प्राकृतिक प्रदेश, तो इसमें विभाजित किया गया पांच, याद रखना बस। अगला चलते हैं फ्रेंड्स, और दो प्राकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया है, तो दो प्राकृतिक प्रदेशों में भी बांटा गया, इसको समझ लेना है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। छत्तीसवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, जो बीच में मध्य उच्च प्रदेश है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो
मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है गंगा नदी बेसिन के नाम से? क्योंकि इधर की सब नदी जाके, मध्य उच्च प्रदेश की सब नदी जाके गंगा नदी में जाके मिल जाती है, इसे इसलिए गंगा नदी बेसिन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में आया था क्वेश्चन। तो ऐसे कठिन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। मध्य प्रदेश कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ये ऑब्जेक्टिव इसीलिए कराया जा रहा है जिससे आपको पता चल सके कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य कितने भौतिक है, कितने भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर 7 होएगा। भौतिक प्रदेश बोलेगा तो 7 आंसर हो जाएगा, याद रखना है। भौतिक प्रदेश बोलेगा तो 7 आंसर होगा, प्राकृतिक संरचना बोलेगा तो 3 होएगा, प्राकृतिक प्रदेश बोलेगा तो 2 होगा। तो ये समझना है, इसको 7 में बांटा गया है, 7 और 2 अन्य उपभौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है। 7 कौन से हैं? तो 7 तो बहुत आसान है, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, और 2 अन्य उप प्रदेश कौन से हैं? तो राजपीपला श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी, राजपीपला श्रेणी और ग्वालियर श्रेणी। देखिए उसकी व्याख्या दी हुई है यहाँ पे, तो देखिए लिखा हुआ है इसकी व्याख्या, प्राकृतिक प्रदेश ये मध्य उच्च भूमि के 5 है, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में मैं आपको बता दूं। सतपुड़ा श्रेणी जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से समझिए। इसका जो पूर्वी भाग है, जो गुजरात से लेके बुरहानपुर तक के का जो पूर्वी भाग है, इसे क्या कहा जाता है? राजपीपला। इसे राजपीपला कहा जाता है पूर्वी भाग को। बीच वाला भाग जो है खंडवा से लेके तो बीच वाला जो भाग है फ्रेंड्स, जो होशंगाबाद में पड़ता है, उसे महादेव पर्वत कहते हैं। तो महादेव पर्वत सबसे पश्चिमी भाग को कहेंगे राजपीपला, बीच वाला जो भाग है उसे महादेव पर्वत, और सिवनी के बाद से जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है छोटा नागपुर के पठार तक, वो मैकाल श्रेणी के रूप में विस्तृत है, तो याद रखना है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे मिलेगी महादेव पर्वत पर होशंगाबाद में। तो सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश राजपीपला हो गया, ग्वालियर और तथा महादेव श्रेणी, तो ये महादेव श्रेणी बीच में है देखिए, और मैकाल श्रेणी, 3 भाग होगा इसके। अब पूर्वी पठार की बात कर लेते हैं, पूर्वी पठार में एक बघेलखंड आता है, बघेलखंड को पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब बात करते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तृत है? तो पश्चिमी भाग बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। मध्य प्रदेश में पश्चिम भाग में राज्य के सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार भी आपको याद रखना है। अपने तो मध्य प्रदेश का याद कर लिए हैं, लेकिन कभी मालवा के पठार का याद कर पूछा जा सकता है, तो मालवा के पठार का है 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, तथा 73 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये आ सकता है फ्रेंड्स, ये आते रहता है, मालवा के पठार का इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा पठार है। तो कैसे याद रखना है, 22-25, 73, 79, बहुत आसान है। अगला चलते हैं, देखिए तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल है वो कितना है 88,222 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28.8% है। इसका मतलब पूरे मध्य प्रदेश का 28% भाग जो है वो मालवा का पठार है, तो ये समझना है, मालवा का पठार जो है 28% है, तो ये आ सकता है कभी, और इसका क्षेत्रफल भी आ सकता है 88222 वर्ग किलोमीटर, यानी 88,222 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखिए भौगोलिक क्षेत्र दिए हुए हैं, जो इनके भौगोलिक क्षेत्र हैं कौन से जिले कहाँ आते हैं, ये पूरा स्थान और ये दिया हुआ है, तो उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत ये जिले आते हैं, तो आपको याद रखना है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत आसान है, इसको पॉज करना है और देख लेना है। नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है निमाड़ की समतल भूमि, जो निमाड़ क्षेत्र है वो खंडवा खरगोन वाला एरिया को निमाड़ क्षेत्र कहते हैं,
और नर्मदा के आजू, नर्मदा नदी जो बही है उसके आजू बाजू वाले जिले लिखे हुए हैं तो उसको भी आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 39 नंबर का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कांस्टेबल में आया 2016 में। मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग द्वारा होता है? मालवा का पठार हो गया, मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण, तो उसके दक्षिण में कौन सा पठार है वही देख लो। तो मालवा के पठार के दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी है ना, नर्मदा सोन घाटी, सी आंसर इसका सही होएगा, नर्मदा सोन घाटी है। तो दक्षिण सीमा का निर्धारण कौन करता है बोल रहा है, तो नर्मदा सोन घाटी करती है, सी आंसर इसका सही, मध्य पुलिस में आया था क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40 वाला, अरावली पर्वत फ्रेंड्स ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक गई है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है ये, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु सिकर या अबू सिकर, जो राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली पर्वत एवं विंध्यांचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ये अरावली पर्वत हो गया, देखो मैप के हिसाब से बता देता हूँ आपको, मैं ये आपने मैप बना लिया मध्य प्रदेश का, ये मैप बन गया मध्य प्रदेश का, रफली मैप है एक, ये अरावली पर्वत है और यहाँ से विंध्यांचल पर्वत है, तो अरावली पर्वत और विंध्यांचल पर्वत के बीच में यहाँ पे मालवा का पठार है ना, इसका आंसर सही हो जाएगा मालवा का पठार। मध्य उच्च प्रदेश का पश्चिमी भाग जिसका विस्तार अलावरी और विंध्यांचल पर्वत के मध्य स्थित है। मालवा के पठार के अंतर्गत अवस्थित विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला गंगा एवं नर्मदा बेसिन के मध्य जल विभाजक है। तो ये आपको समझ में आ गया, व्याख्या लिखी थी। अगला चलते हैं, 41 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पटवारी में भी आया, लैब टेक्नीशियन की परीक्षा में भी आया। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार के किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, याद रखना है, एक नंबर क्वेश्चन है ये, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और मालवा का पठार सबसे बड़ा है, इसका मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ इसको समझ लेते हैं, पहले एक नंबर क्वेश्चन है ये, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। मालवा का पठार डक्कन ट्रेप का उत्तरी भाग है जिसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टान से हुआ है। मालवा के पठार का निर्माण बेसाल्ट की चट्टान से हुआ है, बेसाल्ट की चट्टान का मतलब ज्वालामुखी पदार्थ से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकला वो ठंडा हो गया, जम गया, ज्वालामुखी पदार्थ से हुआ है, और इन चट्टानों के अपघटन और वियोजन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। मालवा के पठार में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, जो कपास और सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और काली मिट्टी का एक और नाम पूछा जाएगा, रेगुर मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। खंडवा खरगोन में कपास की खेती होती है, और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है उधर साइड। मालवा के पठार में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो नर्मदा बेसिन है, नर्मदा के घाटी है आजू बाजू, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ कपास की खेती होती है जबरदस्त। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया क्वेश्चन आते रहता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से उद्गमित होकर उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली अधिकतम नदियां किस नदी में जाके मिल जाती? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर जो भी नदी जाएगी वो कहाँ बहेगी? उत्तर प्रदेश में जाके मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी मिलेगी? तो यमुना में मिलेगी, ऊपर साइड में यमुना नदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस किए थे, तो देखो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मालवा के पठार के अंतर्गत दो अपवा तंत्रों का विकास होता है, जिसमें से चंबल, कालीसिंध, बेतवा, छिपरा आदि नदियां उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यमुना नदी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त माही नदी हो गया, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इसके अतिरिक्त माही हो गया, नर्मदा, ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती है, याद रखना है, पश्चिम की ओर तीन नदी बहती है मध्य प्रदेश की, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है अरब सागर में,
और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भी नदियों का मायका कहा जाता है, सर्वाधिक नदी अपने मध्य प्रदेश से निकलती है इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा गया मध्य प्रदेश के किस पठार को, तो पठार यहाँ पे सबसे बड़ा पठार मालवा का ही है, तो मालवा के पठार को नदियों का मायका कहा जाता है, ये याद रखना है। मालवा के पठार से काली सिंध नदी निकलती है, छिपरा नदी बहती है मालवा के पठार में, पार्वती नदी बहती है चंबल में मिल जाती है, बेतवा नदी बहती है गंभीर नदी बहती है, आदि नदियों का उद्गम होता है उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है, तो याद रखना 43 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में आया हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? को क्या क्वेश्चन बोला है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, सिगार की चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है 881 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपन गुडविल की चोटी, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, गुडविल की चोटी जो है फ्रेंड्स, ये गुडविल की चोटी से याद रखना है, ये किसकी चोटी सबसे ऊंची है, ये भांडेर श्रेणी जो पढ़े अपन ने विध्यांचल में, भांडेर श्रेणी जो बीच में है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसी का एक और नाम है गुडविल चोटी का, सद्भावना की चोटी ये दमोह में पड़ती है ये, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला गया उसको देखते हैं। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, सिगार की चोटी याद रखना है, ये छजारी की चोटी ये भी यहाँ पे मालवा में रहती है, ये भी मालवा की चोटी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ये लिखा हुआ है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है, जानापाव की पहाड़ी भी मालवा के पठार में आती है, जानापाव की पहाड़ी से ही चंबल नदी निकली है। उसके बाद छजारी की चोटी, ये मालवा के पठार की है फ्रेंड्स, याद रखना है। मालवा के पठार की एक और है काकरी बर्डी की चोटी या काकरी बर्डी की पहाड़ी, यहाँ से छिपरा नदी निकली है, ये भी याद रखना है। उसके बाद है गोमनपुर की चोटी, ये भी कहाँ पर है, मालवा में। तीन चार चोटी इंपॉर्टेंट है, सिगार की चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, जानापाव की चोटी इंदौर में है, मालवज की चोटी है ये भी मालवा के पठार में पाई जाती है, छजारी की चोटी ये भी मालवा के पठार में है, और गोमनपुर की चोटी ये भी मालवा के पठार में है। इसके अतिरिक्त काकरी बर्डी की पहाड़ी या चोटी वो भी कहाँ पर है, मालवा के पठार में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 45 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल, मालवा के पठार की ढाल किस दिशा की ओर है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सरल ही सरल पढ़ के नहीं जाना है, कठिन क्वेश्चन भी आते हैं। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की ढाल ही पूछ डाला उसने, किस दिशा में, तो ढाल किस दिशा में, तो देखिए इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी दिशा। मध्य प्रदेश में पश्चिम में स्थित मालवा का पठार की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांस्टेबल में आया 2016। व्यापम क्या कर रहा था उस टाइम पे, बहुत डीपली क्वेश्चन जब पूछ रहा था, कठिन जब पूछ रहा था, तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमा रहा था बस, और कुछ नहीं कर रहा था, क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा था। बहुत दिन तक पेपर चलते हैं, एक एक महीना पेपर चलते हैं, एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, इस कारण ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन आप MPPSC प्री की बात करें तो उसमें सिंपल और साधारण और अच्छा क्वेश्चन आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की ढाल किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर की ओर है, उत्तर आपको समझ में आ गया, ऊपर और पूर्व की ओर है, और है जभी तो नदी ऊपर जाके यमुना में मिलती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग में कौन सी रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, मालवा के पठार के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा ही तो गुजरेगी, तो याद रखना है। मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है या मालवा के पठार के मध्य भाग से और नर्मदा नदी के समानांतर गुजरती है। मालवा के पठार के अंतर्गत 8 जिलों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। लेकिन बात करें अगर मालवा के पठार के, तो 8 जिलों से गुजरती है, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन से कर्क रेखा गुजरती है। ये टिप्पणी लिखी हुई है, ये भी देख लेना है। नागदा जिला बनने वाला है मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनने वाला है, नागदा उज्जैन से अलग होकर बनेगा, जिसकी घोषणा 2019 में की गई है। खत्म, आगे चलते हैं।
तो दोस्तों हम अध्याय दो पढ़ रहे थे जिसका नाम था भूगर्भिक संरचना। तो दोस्तों हम इस लेक्चर में यहीं तक डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके बाद पार्ट टू आएगा दोस्तों, चैप्टर टू का पार्ट टू आएगा अभी थोड़ी देर में आने वाला है, तो उसको भी आप देखें। आगे का हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में 105 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया इस कारण हम पार्ट टू बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, चैनल सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद।